इसी तरीके से तब्दीली का अहद करना। देखिए तब्दीली का अहद, ऐसा मैंने नीयत की बात की ना, आदमी नीयत पक्का कर पक्की करता है लेकिन फिर नहीं कर सका, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन नीयत पक्की। जैसे एक बच्चा है ना, अभी पक्का बोल रहा है कि नहीं अभी जाके मेहनत से पढ़ूंगा, गया मेहनत से पढ़ा लेकिन वो जैसा बोला था ना वैसा नहीं हो पाया, फिर दूसरा साल नहीं, अब की साल ना और मेहनत से, नेट का इम्तिहान चलता है ना, कैसा होता है, अब निकाल लेना है, इस बार नहीं निकल पाए, ओ अच्छा अब ये करना ना, अभी ऐसा करना है, दूसरे साल निकालेंगे, तब फिर मेहनत करते हैं, फिर दूसरे साल कोशिश करते हैं। ऐसे ही ना तब्दीली का अहद, नीयत का पक्का, नीयत पक्की होनी चाहिए। पक्की नीयत कीजिए कि इस बार अपने आप को बदल लेना, नहीं बदल पाए ना कोई बात नहीं, फिर नीयत करेंगे, फिर नीयत करेंगे। ऐसे आप नीयतें कीजिए और तब्दीली का अहद कीजिए इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ कीजिए। देखिए दुआ क्या सिखाई अल्लाह ने, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्ने इबादती का, अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने जिक्र पर, अपने शुक्र पर, अपनी प्यारी इबादत पर। इलाही मैं तेरी इबादत तुझी से मांगता हूँ, इलाही तेरा जिक्र तुझी से मांगता हूँ, इलाही तेरी तारीफ तुझी से मांगता हूँ, इलाही वो प्यारी जबान दे दे जो तेरे जिक्र में हमेशा तर रहे, इलाही वो प्यारे हाथ दे दे, इन हाथों में वो कुव्वत दे दे तेरे सामने सजदे में झुकें, इस पेशानी में वो पावर वो नूर दे दे मौला कि तेरी इबादत की एक लज्जत मेरी पेशानी महसूस करे, मेरी आंखों में तेरी इबादत की लज्जत उतरे, मेरे सीने पर तेरी इबादत का नूर उतरे। अंताबुदल्लाह का नकतरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि ऐसे ही इबादत कर जैसे तू रब को देख रहा है, और अगर ऐसा ना हो सके तो ऐसा सोच मेरी आवाज मेरे रब तक पहुंच रही है, मेरे हाथों की एक एक जुम्बिश को मेरा परवरदिगार मुझे पैदा करने वाला, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा करीम मुझको देख रहा है, ऐसे जज्बे के साथ इबादत होनी चाहिए। तो तब्दीली का अहद कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह से कि परवरदिगार तू नहीं बदलेगा तो मैं नहीं बदल पाऊंगा, मेरे पास बदलने की ताकत नहीं, मैं गुनहगार आदमी, सियाकार आदमी, दिलों में इतनी गंदगी भरी है, दिमाग में इतने वसवसे भरे हैं रब, और चारों तरफ शहवात के और ख्वाहिशात के और लालच के इतने घेरे पड़े हैं, परवरदिगार तू नहीं बचाएगा तो मैं नहीं बच सकता, तू नहीं चलाएगा मेरे पैरों को, अगर तूने अपने कर्म की बारिश से बूंद नहीं दिया ऐ अल्लाह फिर मैं आग की तरफ चले जाऊंगा। ऐ अल्लाह तू मुझे ताकत दे दे, अपने रब से अपने पैरों की ताकत मांगिए, अपने रब से तिलावत की ताकत मांगिए, अपने रब से इबादत की ताकत मांगिए। आप चाहे इबादत कर ले, नहीं हो सकता भाई, दिल दिल देखिए ना, जब दिल लगता है तो काम होता है, दिल नहीं लगता है काम नहीं होता है, वही दिल की ताकत रब ही से मांगिए, वही देगा, और मेहनत कीजिए, तब्दीली का है,